अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 15 दैट वाज इनहेरिटेंस को डिस्कस कर रहे थे. आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ क्या कहता है. अकॉर्डिंग टू मेंडल इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसे कहते हैं. मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टार्ट करने से पहले अगर हम प्रीवियस वीडियो की बात करें तो प्रीवियस वीडियो हमने इसका प्रीवियस लॉ पढ़ा था, दैट वॉज मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. हमने इसमें देखा था कि किस तरह से एलील्स जो हैं वो सेग्रीगेट करते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स और अब वो आगे फर्टिलाइज करते हैं और एक नई जनरेशन बना देते हैं विद अ डिफरेंट फिनोटाइप एंड जीनोटाइप. ओके, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई के बटन पर शो कर रही हूँ, वहाँ पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं. मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अगर हम स्टार्ट करें तो इस लॉ को जो है हमने प्रीवियस लॉ पढ़ा था ये उसे मिलता जुलता जो है वो लॉ है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस आ जाता है. इसमें हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस किया था, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस करेंगे. ओके, इसके स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अगर हम इसके स्टेटमेंट देखें कि मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहलाता है, या आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है इसको किस तरह से लिखोगे. The alleles of a gene pair segregate independently from the alleles of the other gene pairs. के एक टाइम पे एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जितने भी एलील्स या जीन्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हर जीन के एलील्स इंडिपेंडेंटली जो है वो सेग्रीगेट करेंगे टू फॉर्म द नेक्स्ट जनरेशन. अब ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते कि इसका जो है वो कैपिटल जा रहा है तो मेरे जीन का एलील भी कैपिटल ही होगा, लेकिन क्या होगा, दोनों इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेंगे, इंडिपेंडेंटली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट करेंगे. ओके, इसके बाद हम देखते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस. डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है टू, ठीक है. तो डाई हाइब्रिड वो क्रॉस है जिसके अंदर एक ही टाइम पे दो ट्रेड्स को डिस्कस करें. The cross in which two traits are studied at a time is called dihybrid cross. He cross two seed traits. उसने seed के दो traits को cross करवाया, एक seed shape को और दूसरा seed color को. तो जो उसने इसके अंदर अपने results बताए, same वही results उसके garden में भी इसको show हुए. मतलब कि उसने mathematical पहले बता दिया कि मैं अगर इन दोनों plants को cross करवाऊँगा तो इस तरह की generation बनेगी, ठीक है. अब उसने किस तरह से क्रॉस करवाया, किस तरह की जनरेशन बनी, किस तरह के सीड्स बने, किस तरह के जब वो नेक्स्ट पी प्लांट किस तरह का जो है वो जनरेट हुआ, अब वो सारी चीज़ें हम जो है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं पेरेंटल जनरेशन. पेरेंटल जनरेशन में उसने दो ट्रेड्स को जो है डिस्कस किया, जिस तरह हमने अभी देखा डाई हाइब्रिड क्रॉस था किस तरह से था, उसने सीड शेप को और सीड कलर को लिया. कैपिटल आर किसको शो कर रहा है, राउंड सीड शेप को. कैपिटल वाई किसको शो कर रहा है, येलो सीड कलर को. स्मॉल आर किसको शो कर रहा है, रिंकल सीड शेप को. और स्मॉल वाई किसको शो कर रहा है, ग्रीन सीड कलर को, ठीक है. अब उसने राउंड, रिंकल, येलो और ग्रीन का क्रॉस करवाया. किस तरह से करवाया, अब यहाँ पे जब पेरेंटल जनरेशन में यहाँ से जब गैमेट्स बनेंगे तो एक सीड शेप में से गैमेट ट्रांसफर होगा, दूसरा सीड कलर में से जो है वो एलील जो है वो गैमेट ट्रांसफर होगा. इसी तरह से यहाँ से एक स्मॉल आर जाएगा और दूसरा स्मॉल वाई जाएगा. दोनों आ जाएँ तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्या है, दोनों सेम है तो दोनों में से कोई एक अपना इफेक्ट शो करवाएगा. ओके, अब यहाँ पे जब गैमेट्स बन गए, गैमेट्स ने क्या करना है, आपस में फर्टिलाइजेशन करनी है, आपस में इन्होंने कम्बिनेशन करना है, कंबाइन होना है. तो क्या होगा, जो एफ वन जनरेशन होगी उसमें कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, इसकी फिनोटाइप क्या होगी, राउंड एंड येलो. क्योंकि जो कैपिटल जो एलील है वो स्मॉल जीन के स्मॉल एलील के इफेक्ट को मास्कअप कर लेगा, उसको रोक देगा, डोमिनेट कर लेगा. ओके, तो जो एफ वन जनरेशन की होगी वो क्या होगी, राउंड एंड येलो. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है, उसने दो एफ वन जनरेशन को, मतलब कि जो उसके जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन बनी पेरेंटल जनरेशन के बाद जो जनरेशन है, उसने उसी के दो प्लांट्स को लिया और उन दोनों को आपस में क्रॉस करवाया. अब क्या हुआ, इसके अंदर जो है वो एलील ट्रांसफर हुए. किस तरह से, अब इसके अंदर चार एलील्स हैं, चारों क्या है, डिफरेंट है, तो वो हर एक के साथ कंबाइन करेंगे, ठीक है. अब क्या होगा, यहाँ से ये गैमेट आ जाएगा, हो सकता है यहाँ से ये वाला गैमेट भी आ रहा हूँ, ठीक है, कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई. ये भी हो सकता है यहाँ से स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई वाला आ रहा हूँ, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, सेम इसी तरह दोनों मिट से गैमेट्स की ट्रांसफर हो जाएगी टू द
नेक्स्ट जनरेशन। अब क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन में इन गैमेट्स ने फर्टिलाइज करना है और क्या बना देंगे, एफ टू जनरेशन बना देंगे, सेकेंड फीलियल जनरेशन बना देंगे। ओके, अब इन्होंने किस तरह से जीनोटाइप शो करनी है, किस तरह से फिनोटाइप शो करनी है, अब हम उसको देखते हैं। ओके, हमने सपोज मेल के गैमेट यहाँ पे लिख लिए, फीमेल के गैमेट्स यहाँ पे लिख लिए। अब इसने पहले क्या करना है, इसके साथ मिलना है, क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई। ओके, उसके बाद ये इसके साथ आके मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। उसके बाद इसी तरह से सब ने जो है वो सारे एलील्स के साथ आके ज्वाइन करना है, आके कंबाइन करना है और एक नया प्लांट बनाना है। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, यहाँ से कैपिटल आर, यहाँ से कैपिटल आर, यहाँ से कैपिटल वाई, यहाँ से स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई, यहाँ से भी इसी तरह से जो है वो सारे के सारे एलील्स आके ट्रांसफर हो जाएंगे। ओके, जब सारे एलील्स ट्रांसफर हो जाएंगे तो क्या होगा, जो जनरेशन बनेगी एफ टू जनरेशन बनेगी, उसमें डिफरेंट फिनोटाइप्स आ जाती हैं, डिफरेंट जीनोटाइप्स आ जाती हैं। किस तरह से, अब हमने ये देखना है कि राउंड कितने हैं, येलो कितने हैं, रिंकल्ड कितने हैं और ग्रीन कितने हैं। फर्स्ट को देखते हैं, ये क्या है, राउंड एंड येलो, ये भी क्या है, राउंड एंड येलो, ये भी क्या होगा, राउंड एंड येलो, क्योंकि इसमें स्मॉल आर है, स्मॉल आर के इफेक्ट को कैपिटल आर डोमिनेट कर देगा, राउंड एंड येलो। तो जो फर्स्ट फोर जो एलील्स बनेंगे वो क्या होंगे, उसमें सीड्स क्या होंगे, राउंड होंगे और येलो इन कलर होंगे। सेकंड क्या होगा, राउंड एंड येलो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों क्या है, रिसेसिव एलील्स हैं, तो जब दोनों एलील्स एक जैसे होंगे तो दोनों का इफेक्ट भी जो है वो उसी के हिसाब से होगा, राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, राउंड एंड येलो, रिंकल एंड येलो, यहाँ पे क्या होगा, रिंकल बनेगा और येलो बनेगा। इस तरह यहाँ पे भी क्या होगा, रिंकल्ड एंड येलो सीड बनेगा, राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। अब हम देखते हैं हमारे पास कितने जो हैं वो राउंड एंड येलो सीड्स बने, कितने राउंड ग्रीन सीड्स बने, कितने रिंकल्ड येलो सीड्स बने और कितने जो हैं वो रिंकल्ड ग्रीन सीड्स बने। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास फोर फिनोटाइप्स शो हो रही हैं। जीनोटाइप्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो फिनोटाइप्स हैं वो फोर टाइप की, चार तरह की फिनोटाइप शो हुई, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि राउंड एंड येलो सीड्स होंगे, राउंड एंड ग्रीन सीड्स होंगे, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स होंगे, रिंकल्ड एंड येलो सीड्स होंगे। तो मेंडल ने उस क्रॉस में जितने प्लांट्स को ग्रो करवाया उसकी रेशियो कुछ इस हिसाब से थी। उसने देखा कि इसके अंदर जो 315 सीड्स हैं वो क्या हैं, राउंड एंड येलो, 108 सीड्स क्या होंगे, राउंड एंड ग्रीन, 32 सीड्स क्या होंगे, रिंकल्ड एंड ग्रीन, और 101 सीड्स क्या होंगे, रिंकल्ड एंड येलो। जब उसने इसकी रेशियो बनाई तो इसकी रेशियो कुछ 9:3:3 इंटू 1 बनी। इसमें जो 9 रेशियो थी वो क्या थी, राउंड एंड येलो सीड्स की, 3:3 रेशियो क्या थी, एक थी हमारे पास राउंड ग्रीन सीड्स की और दूसरी थी रिंकल्ड येलो सीड्स की। जबकि जो सबसे कम रेशियो है, 1 रेशियो है, वो किसके हैं, रिंकल्ड ग्रीन सीड्स। ओके, मतलब कि जो सबसे कम फिनोटाइप शो हुई है वो क्या है, रिंकल्ड ग्रीन सीड की फिनोटाइप सबसे कम शो हुई है और राउंड येलो सीड्स की फिनोटाइप सबसे ज़्यादा शो हुई है। तो इस तरह से मेंडल ने बताया है कि अगर हम एक ही टाइम पे एक क्रॉस को स्टडी करवाएं तो क्या होगा, वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा। और उसको उसने एक्सप्लेन किया अपने मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, लेकिन मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में उसने टू डिफरेंट ट्रेड्स को लिया, जिसको उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस का नाम दिया। उसने टू डिफरेंट ट्रेड्स को जब आपस में क्रॉस करवाया तो उसने जो रेशियो उसके पास बनी वो थी हमारे पास 9:3:3:1 रेशियो। ठीक है, तो आपने इसको इसी तरह से जो है वो इसको प्रिपेयर कर लेने। ओके, तो ये था मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसने ये बताया कि किस तरह से दोनों जो ट्रेड्स हैं अगर उनको एक ही टाइम पे क्रॉस करवाया जाए तो जो नेक्स्ट जनरेशन होगी एफ टू जनरेशन होगी उसमें किस तरह के रिजल्ट्स होंगे। ओके ओके, ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डिस्कस किया, हमने इसकी ईच एंड एवरीथिंग को डिटेल से डिस्कस किया। आई होप आपके अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन हो या किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, इससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।